नमस्कार लोहिया महाविद्यालय चूरू के एम कॉम प्रीवियस एवीएसटी की सभी नियमित छात्रों का अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में आपको प्रबंध लेखांकन के कार्य एवं संगठन यानी फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपकी सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले लेक्चर में अपने प्रबंध लेखांकन के साधारण परिचय के बारे में, नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है उसका, उसके बारे में अपन देखा, उसके ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में अपने देखा, कुछ लिमिटेशंस भी उसकी थी उनके बारे में भी अपने देखा। आज के इस लेक्चर में अपने को देखना है कि प्रबंध लेखांकन के मुख्य काम क्या होते हैं और उसका जो संगठन है वो कैसे चलता है। प्रबंध लेखांकन के कार्य के अंतर्गत हमें ये देखना है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। वैसे इसका जो विकास है वो वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं को प्रबंध की आवश्यकता के अनुसार विश्लेषित और निर्वचित करके प्रबंध की समूह रखने के लिए हुआ। यानी प्रबंध लेखांकन का जो विकास है वो क्यों हुआ, जो वित्तीय और जो लेखांकन से प्राप्त जितनी भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को प्रबंध की आवश्यकता के अनुसार विश्लेषित और निर्वचित कर प्रबंध की समूह रखने के लिए हुआ। इस प्रकार से हम प्रबंध लेखांकन के कार्य को दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला तो प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध करवाना और दूसरा प्रबंध की क्रियाओं में सहयोग देना। ये दो मुख्य काम प्रबंध लेखांकन के होते हैं। पहला जो काम है यानी सूचनाओं को प्रबंधकों को उपलब्ध करवाना, जो वित्तीय विवरण होते हैं उन वित्तीय विवरण की सूचनाओं को विश्लेषित और निर्वचित करके प्रबंधकों को सरल रूप में उपलब्ध करवाना, ये इसका सबसे पहला काम होता है। और इस काम को करने के लिए वो ये प्रक्रिया इसके अंतर्गत अपनाई जाती है। यानी जो प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं वो उनकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आंकड़ों का अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय और लागत संबंधी विभिन्न आंकड़ों को इस प्रकार से दर्ज किया जाता है ताकि उनका विश्लेषण करना आसान हो जाए। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक लेखाकार के द्वारा बनाए गए हैं वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी एक फॉर्मेट में बने हुए हैं। उस फॉर्मेट में बनी हुई उन सूचनाओं को यानी वित्तीय विवरण की उन सूचनाओं को, जैसे हम कहते हैं कि लाभ हानि खाता और चिट्ठा, उसको सबसे पहले एक अलग वर्टिकल फॉर्मेट में इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे कि विश्लेषण में और निर्वचन में आसानी हो सके। यानी उन्हीं आंकड़ों को रिफॉर्म करते हुए उसको इस प्रकार से तैयार किया जाता है, उन खातों को, उन बैलेंस शीट को, ताकि उनका विश्लेषण करने में और उनका निर्वचन करने में आसानी हो सके। पहला काम तो आंकड़ों को रिकॉर्ड करने का यानी उनको अभिलेख करने का, यानी उनको एक ऐसे फॉर्मेट में उन वित्तीय विवरणों को बनाना जिससे कि उनके विश्लेषण में आसानी हो सके। नंबर दो, उन आंकड़ों की सत्यता की जांच करना। अभिलेख की समंकों की सत्यता की जांच पूर्व अनुमान और वास्तविक जो आंकड़े हैं उनकी तुलना करके किया जाता है।
और इसके लिए सांख्यिकी की तकनीकों की मदद लेकर के ये देखा जाता है कि जो डिफरेंस है वो कहीं सिग्निफिकेंट तो नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, यानी पूरी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक्चुअल और फोरकास्टेड डाटा जो होते हैं उनका कंपैरिजन करके उनकी अंदर डिफरेंस होगा, डेफिनेट होगा, सेम नहीं होंगे, लेकिन दैट डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट और नॉट। अगर महत्वपूर्ण अंतर तो कहीं नहीं है, इस बात को इसमें देखा जाता है। तो ये दूसरा काम हुआ, पहले तो आंकड़ों को रिकॉर्ड किया, फिर उनकी आंकड़ों की सत्यता की जांच हुई, और उसके बाद फिर आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना, यानी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आंकड़ों का किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के आइटम्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित की जाती है, यानी विभिन्न अवयवों के बीच में आपसी संबंध स्थापित करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। तो इसके लिए कई प्रकार की टेक्निक्स हैं, जैसे रेशियो एनालिसिस है, कंपेरेटिव एनालिसिस है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है, इसके अलावा कैसप्रोफ एंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होती हैं जो कि एनालाइज करने के लिए काम में ली जाती हैं डाटा के जो विभिन्न जो अवयव कंपोनेंट्स होते हैं उनमें बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित की जाती है। तो ये एक विश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो कम्युनिकेशन यानी संवहन, तो जो सूचनाएं एकत्रित की उन सूचनाओं की वैलिडिटी या उनका वेरिफिकेशन किया, फिर उन सूचनाओं का को एनालाइज और उनको इंटरप्रेट किया, और उसके बाद में मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, तो ये संवहन चौथा कार्य इसके अंतर्गत होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जिन वित्तीय सूचनाओं का विश्लेषण किया गया विभिन्न टेक्निक्स के द्वारा, उन विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष होते हैं उनको टॉप मैनेजमेंट को उनको निष्कर्षों से अवगत करवाना, ये लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराने का चौथा महत्वपूर्ण स्टेप होता है। ये सूचनाएं चूंकि प्रतिवेदन के रूप में होती हैं, इनकी कम्युनिकेट करने के लिए विभिन्न प्रकार के चार्ट्स, ग्राफ्स, प्रतिशतें, टेबल्स ये बनाई जाती हैं, जिससे जो मैनेजमेंट होता है उसको समझने में आसानी होती है। तो जो वित्तीय सूचनाएं थी उन सूचनाओं को मैनेजमेंट को एक ऐसे समझने योग्य सरल फॉर्मेट में उनको इन सूचनाओं के बारे में अवगत करवाया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण जो कार्य है लेखांकन सूचना उपलब्ध करवाना, ये पहला कार्य मैनेजमेंट काउंटिंग का हुआ। दूसरा फंक्शन मैनेजमेंट काउंटिंग का जो है वो जो सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई वो उसकी सहायता से मैनेजमेंट के विभिन्न जो कार्य हैं उनको संपादित करने में सहयोग करना, यानी प्रबंधकीय कार्यों में सहयोग प्रदान करना। तो प्रबंध की क्रियाओं के संपादन में योगदान देना ये इसका अगला कार्य है। ये कार्य कैसे करते हैं? नियोजन एवं पूर्वानुमान, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के द्वारा ये सहयोग करता है। अब यहाँ अपने को ये देखना है कि ये काम कैसे प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत जो डाटा होते हैं उनको एनालाइज करते हुए भविष्य के बारे में योजनाओं को भी प्रस्तुत किया जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जब किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में से किसी एक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, तो ये जो होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत इस कार्य को करने के लिए जो है वो जो वो डाटा के आधार पर उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करता है,
जिसके लिए वो हो सकता है कि वो कुछ ऐसी विकल्प जो हैं उनमें से जो लाभप्रद विकल्प होते हैं उनको वो चुनाव करते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भविष्य की पूर्वानुमान वो अपनी ओर से एक प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत दिया जाता है। तो सीधी सी बात एक ही है कि जब वैकल्पिक योजनाएं, और ये योजनाएं किस किस्म में हो सकती हैं, किसी नए प्लांट के लगाने के समय हो सकती हैं, कोई नए रिसर्च प्रोजेक्ट, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक तो कॉस्ट रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक रेवेन्यू इंक्रीजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में जब कोई निर्णय लेना होता है तो फिर वैकल्पिक योजनाओं में से जो लाभप्रद योजना होती है उसके बारे में वो सजेस्ट करते हैं और फिर इसके आधार पर आगे की योजनाएं बनाई जाती हैं। और इसके बाद में दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य संगठन के है, ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन का यह मतलब ये होता है कि व्यक्तियों में जो है वो एक तरह से क्रियाओं के अंदर साधनों का एक वितरण किया जाता है। तो जब साधनों का वितरण जब होता है तो यहाँ पर दो मुख्य बातें होती हैं, एक तो होता है अधिकारों का वितरण और एक दायित्वों का विभाजन। ये दोनों ही आते हैं, अधिकार और दायित्वों का विभाजन या प्रत्यायोजन जो होता है वो दो महत्वपूर्ण कार्य संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो ये कार्य वो है वो एक प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत कैसे संभव हो पाता है। तो इसका एक बहुत सीधा सा ये है कि जब प्रत्येक विभाग के जब टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं, टारगेट फिक्स करने का मतलब फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं कि हर विभाग के फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए एक योजना पहले से दी जाती है, वो लक्ष्य पहले से दिए जाते हैं। तो ये कार्य जब तक उन टारगेट्स को अचीव किया या नहीं किया तो वो हर विभाग से ये सूचनाएं ली जाती हैं कि जो आपको टारगेट्स दिए गए वो आपने कितने अचीव किए गए थे, जो स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए तो वो कितने अचीव किए गए थे। तो इसके आधार पर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, यानी दायित्वों का जो वितरण है या अधिकारों का, जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है वैसे ही जो है उसकी उत्तरदायित्वों का बंटवारा भी उसको करना पड़ता है। तो यदि जो लक्ष्य दिए गए वो नहीं हासिल किए गए हैं तो फिर उसी के अनुसार एक्शन होता है। तो एक तरह से ये संगठन में बहुत बढ़िया सहयोग करता है, कैसे, लक्ष्यों को, वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना, फिर उनको वास्तविक लक्ष्यों से उसकी तुलना करके पता लगाना कि लक्ष्य अचीव किए गए हैं या नहीं किए गए। प्रत्येक जो व्यक्ति और संस्था को उनको जो लक्ष्य दिए गए हैं या जो उनको अधिकार दिए गए और उनको अधिकारों को पूरा न करने पर उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने उत्तरदायित्व भी साथ में लाते हैं तो उन उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन होना जरूरी होता है। इसके बाद में इसका महत्वपूर्ण अगला कार्य नियंत्रण का होता है, कंट्रोलिंग का काम होता है। तो कंट्रोलिंग संबंधी जो कार्य होता है वो एक तरह से जो है वो दो मुख्य जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है और एक इसके अलावा जो है वो बजटरी कंट्रोल होता है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके मार्फत एक प्रबंध लेखांकन जो होता है वो नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वो माप स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है, प्रमाण निर्धारित करता है, वास्तविक से तुलना करता है और फिर जो विचरण होता है, वेरियंस होता है, उसको पता लगा करके उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। बजट नियंत्रण के अंतर्गत बजट बनाया जाता है, भविष्य के बारे में जो बजट बनाया जाता है उसके बाद में बजट की वास्तविक से तुलना की जाती है कि भाई बजट से ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया या बहुत ज़्यादा कम तो खर्चा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वास्तव में इस नियंत्रण संबंधी कार्य के लिए आती हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का यहाँ मतलब ये होता है कि एक प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत तो उत्पादन बजट भी बनता है, क्रय बजट बनता है, विक्रय बजट बनता है, रोकड़ बजट बनता है, तो कई प्रकार के बजट बनाए जाते हैं और एक तरह से मास्टर बजट भी बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब एसिमुलेट करते हुए, यानी उनको सबको शामिल करते हुए जब कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें समन्वय ऑटोमेटिक ही होगा, क्योंकि इन सभी विभागों के जो बजट हैं उनका समन्वय जब तक नहीं किया जाएगा तब तक अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये इन सभी प्रकार के विभागों का बजट बनाने के कारण ये समन्वय संबंधी कार्य ऑटोमेटिक होगा।
निर्णय एंड डिसीजन मेकिंग इज मस्ट। डिसीजन मेकिंग का मतलब यह होता है कि विभिन्न जो आपके पास में विकल्प उपलब्ध उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना, ये डिसीजन मेकिंग का। ये डिसीजन किससे संबंधित हो सकते हैं, ये डिसीजन प्राइसिंग से संबंधित हो सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में हो सकते हैं, ये आपके प्रोडक्ट और प्रोडक्शन के संबंध में हो सकते हैं, तो ये जो या किसी दो प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को चुनाव करने के संबंध में हो सकते हैं। यानी ऐसे बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनके अंतर्गत ये जो है वो निर्णय लेने के लिए जो मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक जो है वो उसका यूज किया जाता है, और इसके अलावा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कैपिटल बस्टिंग यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है, इन सब टेक्निक्स का यूज किया जाता है निर्णय लेने के लिए। क्योंकि निर्णय में भी ये होता है कि डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, अब उनमें से कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा होगा इसके लिए बाकायदा विद डाटा जो है वो एक शीट तैयार की जाती है, और इसमें ये शो किया जाता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर विकल्प है, और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रबंध के इन सभी कार्यों के अंतर्गत जो है वो सहयोग करता है, प्रबंध के समन्वय में भी सहयोग करता है, उसके नियंत्रण में भी सहयोग करता है, उसके नियोजन में भी करता है, संगठन में भी करता है और निर्णय में भी करता है। इन सभी प्रबंध की क्रियाओं में एक जो है वो प्रबंध लेखांकन का सहयोग दृष्टिगोचर होता है। ये कार्य करने के बाद अब अगली अपनी को देखते हैं कि इसका संगठन कैसा होता है। संगठन के बारे में आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि कोई सी व्यवसाय का स्वरूप बहुत छोटा भी हो सकता है, मध्यम आकार का भी हो सकता है और बड़े आकार का भी हो सकता है। अब अगर एक छोटे आकार का एक संगठन होता है तो उसके अंतर्गत एक स्वामी है, वो अपने लेखे तैयार कर लेता है साधारण रूप से। अब उसको अगर पुस्तपालन या बुककीपिंग का काम तो एक स्वामी कर लेता है, लेखांकन संबंधी कार्य जो होता है वो हो सकता है कि किसी बाहरी या किसी सार्वजनिक लेखापाल की मदद ले ले उस लेखांकन संबंधी कार्य करने के लिए, यानी जैसे थोड़ी सी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने की जहाँ तक बात होती है। तीसरा, जब अगर किसी बैंक वगैरह से लोन लेना है, किसी वित्तीय संस्थाओं से लोन लेना है, तो फिर उसके लिए जो है वो एक विशेषज्ञ प्रबंध लेखापाल की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसकी मदद ले सकता है। तो ये छोटे जो होते हैं व्यवसायिक संगठन उनके अंतर्गत तो ज़्यादा जो है वो संगठन संबंधी कोई बड़ी प्रबंध लेखांकन संबंधी कार्य नहीं होते हैं। साधारणतया तो एक खुद मालिक ही सारे कार्य कर लेता है, लेकिन चूंकि कभी खाते केवल लिखने का बात नहीं होती है, उनके सारांश वगैरह तैयार करने में हो सकता है कि उसको मदद लेनी पड़े। और बैंक वगैरह आजकल क्या करते हैं कि बैंक वगैरह जो जब ऋण देते हैं तो वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको एक ऐसी रूप में उनको शो करना पड़ता है जो कि विश्लेषित और निर्वचित हो, तो उसके लिए उनको विशेषज्ञ किसी प्रबंध लेखाकार की मदद लेनी पड़ सकती है। दूसरे प्रकार के जो तो इसलिए इसमें तो कोई बड़ा संगठन वाली बात ऐसी नहीं भी, लेकिन जो मध्यम आकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, उनके अंतर्गत मुख्य रूप से जो लेखाकार होता है, प्रबंध लेखाकार होता है, उसको हम मुख्य नियंत्रक का नाम भी देते हैं। और ये जो मुख्य नियंत्रक या लेखाकार लेखापाल होता है उसके तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एक तो वित्तीय लेखांकन से संबंधित होता है, एक लागत लेखांकन से संबंधित होता है, और एक संयंत्र लेखांकन से संबंधित, इसको पर्यवेक्षक भी कहते हैं, सुपरवाइजर्स कहते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, संगठन होते हैं। तो वित्तीय लेखांकन वाले के अंतर्गत तो जो बैलेंस शीट वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी वित्तीय लेखे हैं, उस संबंधित कार्य हो गया। और इनके जो है वो के अलावा लागत लेखांकन के अंतर्गत जो है वो लागत एवं उसके बजट बनाना और लागत लेखे करना, ये इसके अंतर्गत लागत लेखांकन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चाहे वित्तीय व्यवहारों को लिखने से लेकर सारांश उनके वर्गीकृत करना, उनको सारांश तैयार करना, उनको और फिर उनका विश्लेषण का काम करना,
ये सब वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। लागत लेखांकन के अंतर्गत जो कार्य हैं वो लागत संबंधी यानी बजट और लागत के से संबंधित जो बातें हैं वो ये लागत लेखांकन के अंतर्गत आती हैं। और फिर संयंत्र प्लांट से संबंधित जो लेखांकन होते हैं उसके अंतर्गत जो है वो लागत और वित्तीय दोनों को सम्मिलित करते हुए जो है वो कार्य इसके अंतर्गत संयंत्र लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरीके से ये तीन पार्ट इसने डिवाइड कर दिए गए हैं, लागत का, वित्तीय का और संयंत्र लेखांकन का। ये तीनों पार्ट को मिलाकर के जो है वो एक प्रबंध लेखापाल की इसमें संगठन बनता है। अब बात वृहद आकार की आती है, तो बड़े आकार के जो संगठन होते हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने होते हैं, उनमें जो प्रबंध लेखांकन से संबंधित कार्य होता है वो थोड़ा विस्तृत होता है। यहाँ पर दो चीज़ों के आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो जो अकाउंटिंग जो मेथड है या लेखा पद्धति है उसके अनुसार उसका जो है संगठन कैसा होता है, और दूसरा विभाग के अनुसार उसका संगठन कैसे होता है। तो लेखा पद्धति की जहाँ तक बात होती है तो उसके अंतर्गत एक तो मुख्य लागत लेखापाल, जैसे वो सबसे ऊपर तो मुख्य नियंत्रक जो होता है, चीफ कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, अब मुख्य लेखापाल हो गया वो होता है। अब उसके अंडर में जो काम करने वाले होते हैं, एक मुख्य लागत लेखापाल होता है, एक बजटरी अधिकारी होता है यानी बजट अधिकारी होता है, मुख्य लेखापाल होता है, मुख्य कारखाना लेखापाल होता है, और एक मुख्य लेखा परीक्षक होता है। ये चार प्रकार, ये पांच प्रकार के जो हैं वो लेखा पद्धति के अनुसार लेखापाल या अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो मुख्य लागत वो लागत से संबंध हो गया, बजट से संबंधित बजट अधिकारी हो गया। अब मुख्य जो लेखापाल इसमें होता है वो उसके अंडर में कुछ और जो है वो होते हैं, वो क्या करते हैं, लेखांकन पद्धति, निगम लेखांकन, लेखांकन सेवाएं और संपत्ति लेखांकन, ये काम मुख्य लेखापाल के अंतर्गत संपन्न होता है। यानी कोई भी कॉरपोरेट अकाउंटिंग का काम है या लेखांकन पद्धति का काम है, लेखांकन संबंधी सेवाएं और संपत्ति का लेखांकन का काम, ये जो काम है वो मुख्य लेखापाल के अंदर में होते हैं। और इनमें भी जो लेखांकन की सेवाएं हैं यानी अकाउंटिंग सर्विसेज होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो एक लेखांकन की सेवाएं क्या होंगी, बिल बनाने का काम, वेतन की सूची बनाने का काम, प्राप्तियों का लेखा, देनदारियों का लेखा और संयुक्त लेखांकन का काम यानी जो इंटर अकाउंटिंग का काम, ये सब काम जो होते हैं वो लेखांकन सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। अब विभागों की बात हुई तो विभागों में भी इसी तरीके से होता है कि अगर प्लांट एक है तो नियंत्रक एक हो गया, प्लांट बी है तो नियंत्रक बी हो गया, प्लांट सी है तो नियंत्रक सी हो गया, इस तरीके से प्रत्येक प्लांट के अनुसार जो है वो ए बस है विभाग हो जाते हैं नियंत्रक के। और इसके बाद में एक ये तो इनके मुख्य विभाग हुए नियंत्रण के, अब ये इनके सहायक विभाग भी हो सकते हैं, फिर सहायक विभाग होंगे तो उनके सहायक कंपनी नियंत्रक होंगे, फिर इसके बाद में सहायक विभाग के बाद में मुख्य लेखापाल होता है, और फिर मुख्य लेखा परीक्षक होता है। तो मुख्य लेखापाल के अंदर फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि अभी अपने देखा था कि मुख्य लेखापाल में लेखांकन पद्धति, निगम लेखांकन, लेखांकन सेवाएं और संपत्ति लेखांकन, तो ये चार इसके पार्ट होते हैं मुख्य लेखापाल के। और वैसे ही लेखांकन सेवाएं होती हैं, वो लेखांकन सेवाएं भी जैसे पांच प्रकार की लेखांकन सेवाएं अपने देखी थी कि बिल बनाना, वेतन की सूची बनाना, प्राप्तियों का लेखा, देनदारियों का लेखा और संयंत्र का लेखा, तो ये सब चीजें जो हैं वो मतलब जो है वो आपके इस लेखांकन सेवाओं के अंतर्गत संपादित की जाती हैं। तो ये एक बहुत एक वृहद संगठन होता है। कुल मिलाकर के बात एक ही है कि संगठन का मतलब यहाँ पर जो है वो जो उसके कार्य होते हैं लेखांकन के, उसके लिए संपादित करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है वो एक बड़े किसी व्यापारिक संगठन जैसे कंपनी वगैरह के अंदर थोड़े एक विस्तृत रूप में यानी वही काम करने के लिए छोटे छोटे कामों को विभाजित किया हुआ होता है, और उनके लिए अलग अलग अकाउंटेंट बनाए भी होते हैं। तो वो अपना अपना कार्य जो होते हैं
क्योंकि काम को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, अकाउंटिंग का काम किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं होता, इसलिए जो विभाग अगर है तो हर विभाग का अलग अलग अकाउंटेंट बना दिया तो वो अलग अलग कार्य करेगा। फिर उसकी जो मुख्य सेवाएं जो कौन कौन सी होती हैं, जैसे बिल बनाने का है, वेतन सूची बनाने का है, देनदारियों की सूची बनाने का है, प्राप्तियों की सूची बनाने का है, संयंत्रों के लेखांकन का है, तो ये काम बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होते हैं, इसलिए उनको किसी एक कैटेगरी के अनुसार डिवाइड करना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से अकाउंटिंग वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना ही मतलब एक लेखांकन संगठन होता है। तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के संगठन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, ये सब चीज़ें जिनको आपको ध्यान करना होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही देखेंगे अपन, नेक्स्ट अपन कल अगले जो वीडियो में अपन इसको देखेंगे। धन्यवाद।